मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसके उसका इंसाफ चाहिए। जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है उनके प्रति भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ऐसा करने वाले भी उनका नाम तो आप जानती नहीं है, वो तो सिर्फ आप एस पी को जानती है ना। तो मेन अंकित गर्ग है ना, तो उसको तो जानती हूँ, उसने तो कराया है, वो तो मेरे सामने था, वो तो मेरे पास बैठा था, उसने मेरे कितनी गंदी गाली वो सब आदेश देते गए, ये सब चीज़ों को जानती हूँ। फिर क्या है, अरा भी मेरे को बोलते हैं नहीं तुम्हारे शरीर में वो पतरे के बारे में बोलेंगे, वो अपने से डाले। मैं बोलती मैं आज अपने से डालने वाली बात हो रहा तो मेरे को कोर्ट में बगैर पेश किए क्यों फिर मेरे को जेल भेजे, मेरे कोर्ट में बोलने का मौका क्यों नहीं दिया गया। अगर कोर्ट में जिस दिन अगर मेरे बोलने का मौका देते और मैं नहीं बोलती तो मैं बिल्कुल दोषी हूँ। इस चीज़ को मैं मानती कि सही बात है, जब इतना कुछ मेरे साथ है तो सारा मौका कुछ उसको मैं बाद में बोलने का दम रख रहे तो नाए में बात क्यों नहीं बोली हूँ, मैं खुद को अपने आप को करती। अगर कोर्ट में फेस नहीं करके बगैर पेश करके जेल भेजे तो ये चीज़ को डर तो था ना उनको कि ये कहीं कोर्ट में फेस करें पूरी अपनी सच्चाई बता देगी कर, पर मौका ही नहीं दिया गया बगैर नाए में पेश के जेल भेज देना, वो भी नहीं दिख रहा है क्या। मजिस्ट्रेट जो मैं तो इतना भी बोली मजिस्ट्रेट जो वासनी थी वो भी एक नायलाई की कुर्सी में बैठी हुई एक वो है देवी, वो इतना झूठ तो नहीं बोलेगी, उसके नायलाई मेरे को बिल्कुल ले नहीं गए तो मैं क्या बताऊँ।